कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा अवैध खनन मामले में आरोप साबित करे या माफी मांगे। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव से पहले यहां राजनीतिक पार्टियों के बीच रस्साकसी तेज हो गई है। इस दौरान कांग्रेस ने शनिवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने साल 2012 का गोवा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उसके नेताओं पर अवैध खनन में शामिल होने के झूठे आरोप लगाए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि बीजेपी अपने झूठे आरोपों के लिए माफी मांगे। बता दें, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शासित राज्य सरकार पिछले एक दशक के दौरान कोई भी घोटाले की रकम वसूलने में नाकाम रही है। पणजी में संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस की गोवा इकाई के अध्यक्ष चोडनकर ने कहा कि बीजेपी में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और इसके नेताओं पर खनन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इससे सरकारी खजाने को 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि विधानसभा की लोक लेखा समिति PAC की रिपोर्ट के आधार पर ये आरोप वर्ष 2012 में लगाए गए थे, लेकिन तथाकथित खनन घोटाले को लेकर बीजेपी पिछले एक दशक के दौरान पैसा वसूल करने में क्यों नाकाम रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने ये आरोप केवल चुनाव जीतने के लिए लगाए थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बीजेपी आरोपों खनन घोटाले में कांग्रेस की कथित भागीदारी को साबित करे या हमारे नेताओं और आम जनता से उन्हें भ्रमित करने के लिए माफी मांगे। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।